सादर नमस्कार, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ घर के नेम प्लेट को लेकर कि अगर घर आपका बनकर कंप्लीट हो गया है, तैयार हो गया है और नेम प्लेट बनवाने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं, आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। जब भी कोई परिवार नए घर में रहने के लिए जाने वाला होता है या जब किसी का नया मकान बनकर तैयार हो जाता है तब अक्सर लोग सबसे पहले अपने घर का कोई नाम रखने और नेम प्लेट बनाकर घर के बाहर लगाने के बारे में सोचने लगते हैं। जब भी कोई मेहमान व अन्य व्यक्ति आपके घर आता है तो सबसे पहले उसकी नजर नेम प्लेट पर जाती है। नेम प्लेट ही वह चीज होती है जो घर के इंटीरियर का पहला इंप्रेशन देती है, यहां तक कि आपके व्यक्तित्व के बारे में भी काफी कुछ ये नेम प्लेट बताने वाली होती है, यानी बता देती है। इसलिए इसका चुनाव सोच समझ कर ही किया जाना चाहिए। दर्शकों, नेम प्लेट मुख्य द्वार की शोभा बढ़ाने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा को भी अपनी ओर आकर्षित करती है और इसे लगाने से बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने इसे गलत समय वास्तु का ध्यान दिया, अगर आप इसको जब लगा रहे होते हैं उसमें अगर वास्तु का ध्यान दे दिया, तरीका गलत ना हो तो बिल्कुल आपका सब कुछ मंगलमय होगा, अन्यथा कुछ न कुछ कमियां या जीवन में कुछ अनैतिक ऊर्जा का आगमन या कुछ गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो आज हम आपको बताते हैं वास्तु के अनुसार कैसी होनी चाहिए आपकी नेम प्लेट। वास्तुशास्त्र के अनुसार नेम प्लेट को मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना सही माना जाता है, या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार भी लगा सकते हैं। वही नेम प्लेट मुख्य प्रवेश द्वार की आधी ऊंचाई के ऊपर लगानी चाहिए, ये वास्तु के नियम है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजे की डिजाइन व शेप को भी ध्यान में रखकर नेम प्लेट का शेप चुनें, जैसे आयताकार, अंडाकार, वृत्ताकार, त्रिकोण या ऐसी नेम प्लेट अच्छी मानी जाती हैं। इसी के साथ नेम प्लेट फिक्स करके लगाना चाहिए, यानी यह कितनी कैसी भी हो हिलनी डुलनी नहीं चाहिए, वरना जैसे नेम प्लेट हिल डुल रही हो वैसे घर भी कहीं ना कहीं अंदर से या परिवार में हिलना डुलना शुरू हो जाता है, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि नेम प्लेट के सामने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर सफाई करने का सामान आदि न हो, वरना धन हानि की संभावना बढ़ जाती है, रोग की संभावना बढ़ जाती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि नेम प्लेट कभी भी टूटी फूटी ना हो और कहीं से कटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह घर में क्लेश का कारण बन जाती है, घर में दुख का कारण बन जाती है, घर में तनाव का कारण भी बन जाती है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु परंपरा के अनुसार नेम प्लेट पर पशु पक्षियों के चित्र आदि से सजावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सही नहीं माना जाता है। न ही नेम प्लेट पर किसी प्रकार का अलग से सुराख होना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बातें होती हैं। दरवाजे के डिजाइन और साइज के अनुसार ही नेम प्लेट का साइज और आकार आपको चुनना चाहिए। ऐसा ना हो कि दरवाजे व किसी जिस दीवार पर नेम प्लेट लगवा रहे हैं वहां बहुत ज्यादा छोटा या बड़ा दिखे। इस तरह से इन नियमों का अगर ध्यान हम रखते हैं अपने घर के अनुसार, वास्तु के अनुसार, तो नेम प्लेट आपके भाग्य को चमका सकता है, नेम प्लेट आपको नाम को ऊंचा कर सकता है,
लेकिन अगर यही दोष कहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार हुआ नेम प्लेट का, तो समझ लीजिए कि नाम ही सबसे ऐसा स्थान है, नेम प्लेट ऐसी वस्तु है जो वास्तु शास्त्र के दोष को उत्पन्न करती है। तो आप इसको सुने समझें, और अगर आपके घर में भी नेम प्लेट गलत तरीके से लगा हुआ है उसको आप बिल्कुल सही कराएं, उसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।